हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी टिकी और स्वागत है आपको अपने ही चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूं, बाल धो के आई हूं, तो टॉपिक पढ़ के तो आप जान गए होंगे किसके ऊपर बातचीत होगा। तो हेयर स्पा के ऊपर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है पार्लर में जाके स्पा सर्विस लेना, तो हाँ कर सकते हहैं आप, कोई ऐसा झंझट नहीं। पार्लर का ये ही एक फ़ायदा है कि आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से जाके बैठो, सर्विस लो और आओ। हाँ बस पैसा ज़्यादा देना पड़ता है हेयर स्पा के लिए, तो काफ़ी अलग अलग पार्लर में अलग अलग जगह में काफ़ी अलग प्राइसेस हैं। वैसे तो 1000 से ज़्यादा ही होता है, उससे कम तो नहीं आता। तो चलिए हम घर में ही होम मेड हेयर स्पा करेंगे आज, बहुत ही काफ़ी कम बजट में, 15-20 या 30 रुपए के अंदर आपका बहुत पार्लर जैसा इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा, वो भी होममेड चीज़ से, मतलब कोई सा भी केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं, फटाफट वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो एक मोटी सी कॉम लीजिए और उससे अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, बहुत अच्छे से, धीरे धीरे आराम से सुलझा लीजिए। उसके बाद देखिए, एक मैंने यहाँ पे कटोरा ले लिया, उसमें मैं डालूँगी अभी नारियल तेल। अब मैं ये पतंजलि का यूज़ करती हूँ तो मैंने वही नारियल तेल डाल दिया। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, आपका बाल कितना है उसके हिसाब से, आप रेगुलर कितना ऑयल लेते हो, कितना ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। नारियल तेल भी आप जो रेगुलर यूज़ करते हो वो ले सकते हो, आप घर में जो यूज़ करते हो। उसमें मैं मिलाऊंगी, देखिए ये ऑनियन ऑयल, कोई सा भी अच्छा ब्रांड का आप ले सकते हो। ऑनियन तेल का क्वांटिटी काफ़ी कम रहेगा नारियल तेल से, इसमें हम 8 से 10 ड्रॉप ही इसमें मिलाएंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का ऑयल ली हूँ अच्छे से मसाज करने के लिए, इसके लिए मैंने 8 से 10 ड्रॉप डाला है, नहीं तो उससे भी आप कम डाल सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे फिंगर की मदद से सारा चीज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो स्पून या और कुछ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे रूट में लगाना शुरू कर दिया, ये भी मैं हाथ से लगा रही हूँ, आप चाहो तो कॉटन की मदद ले सकते हो, कॉटन बॉल से आप ऐसे डिप करके लगा सकते हो अच्छे से, मेरा हाथ में हो जाता है। तो इस तरह कॉम की मदद से रूट निकालते हुए आप पार्टीशन कीजिए और अच्छे से रूट में लगाते जाइए तेल को, अच्छे से रूट में ऑब्जर्व होना चाहिए। आप किस तरह से लगाते हो आपके ऊपर है, बस यही तरीका है, रूट में अच्छे से तेल लगना चाहिए। पूरे सिर पर अच्छे से ऑयल लग जाए उसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि आपको अच्छे से मसाज करना है 10 मिनट तक। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, अच्छे से मसाज कीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है और आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद के स्टेप की तरफ चले तो देखिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी में एक टॉवल को डुबा के उसको निचोड़ लिया है और अच्छे से बालों में रैप कर लिया है। इसको भी हमें 10 से 15 मिनट तक ऐसे रखना है और उसके बाद देखिए मैंने टॉवल को खोल के अच्छे से ठंडा कर लिया है बालों को और 10 मिनट ऐसे छोड़ना है हमें। गर्म में कोई भी चीज़, हल्का सा गर्म हो तो कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करना है हमें। अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने ये देखिए, ये एक कटोरी में मैंने अपना रेगुलर शैम्पू ले लिया हिमालय का, आप जो यूज़ करते हो, आपको जो सूट करता है आप ले सकते हो। जितने क्वांटिटी में शैम्पू लिया उतने क्वांटिटी में ही आपको शहद मिलाना है, तो बराबर होना चाहिए। और उसमें मैं ये आधा हिस्सा नींबू मिला रही हूँ, नींबू निचोड़ रही हूँ। ये हो गया हमारा बन गया शैम्पू फाइनली, तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे भी मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, तो चलिए अभी हम इससे शैम्पू कर लेते हैं नॉर्मली तरीके से, जैसे शैम्पू करते हैं बालों को, थोड़ा हल्का गीला करके इसको अप्लाई करेंगे और अच्छे से शैम्पू कर लेंगे। तो शैम्पू के बाद क्या करना है चलिए उसके बाद मैं आपको बोलूँगी।
चलिए मैंने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लिया है, अभी मेरे बाल गीले हैं, उसके ऊपर सीरम लगाने की बारी है। अभी यहाँ पे मैं सीरम की जगह यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अभी तो ऐसे छूने में लगता है बहुत सिल्की और सॉफ्ट बन चुके हैं ऑलरेडी मेरे बाल, और उसके ऊपर ये एलोवेरा जेल आपको सूखने के बाद और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके अगर आगे मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।